नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में पूरे 50 प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज का इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए लोगों को, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएँ आज की इस क्लास में। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? पहला प्रश्न है, लेटी हुई लड़की चित्रांकित किसने किया है? तो लेटी हुई लड़की जो चित्र बना हुआ है उसके चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए है कुर्बे, ऑप्शन बी मंजीत बाबा ने, ऑप्शन सी रेम्ब्रा ने और ऑप्शन डी ड्यूरर ने। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है ऑप्शन सी, जितने लोग ऑप्शन सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है। ए चित्र रेम्ब्रा का है और रेम्ब्रा का जन्म 1607 ईस्वी में हॉलैंड में हुआ था। इनके दो चित्र और ही प्रसिद्ध हैं, चिड़ियों को खाता हुआ सिंह, सोता हुआ प्रहरी कुत्ता। ये दोनों चित्र भी रेम्ब्रा के बनाए हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। इटालियन भाषा का एक शब्द है जो प्रायः बाल ईसा मसीह के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है, वह शब्द क्या है? तो आपको बताना है वो शब्द क्या है। चार विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है बाम्बिनो, दूसरा विकल्प है बाउली, तीसरा विकल्प है बालकनी और चौथा विकल्प है वरक। तो यहां पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाम्बिनो। तो बाम्बिनो एक इटालियन भाषा है जिसका प्रयोग प्रायः बाल ईसा मसीह के लिए किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंसी के शिक्षक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लियोनार्डो दा विंसी बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं तो इनके विषय में जानना बहुत जरूरी है। तो लियोनार्डो दा विंसी के शिक्षक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, आंद्रेआ डेल बेरोसियो। अगला प्रश्न देखते हैं, तैल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? रूबेंस को, माइकल एंजेलो को, रिनोवेट को कि वान आइक को? तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तैल चित्रणविद के जन्मदाता नीदरलैंड के कलाकार जान वान आइक को माना जाता है, ऑप्शन डी। ये कहाँ के कलाकार हैं? नीदरलैंड के। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न बन सकता है। तो नीदरलैंड के कलाकार जान वान आइक को तैल चित्रणविद को विकसित करने का श्रेय दिया गया है। 54, कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि वह दृश्यमान को बनाती है, एक कथन किसने कहा या एक कथन किसका है? पहला ऑप्शन है फ्रांसिस बेकन, दूसरा ऑप्शन है पॉल क्ली और तीसरा ऑप्शन है वेस्ली कांडिंस्की और चौथा ऑप्शन है जॉर्ज रुआ। तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा ऑप्शन बी पॉल क्ली। ये कथन किसका है? पॉल क्ली का। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? पहला ऑप्शन है यूनान एवं मेसोपोटामिया में, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी फ्रांस एवं इंग्लैंड में, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में और चौथा ऑप्शन है इटली एवं फ्रांस में। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसका है? पहला विकल्प है श्री शंकु का, दूसरा विकल्प है भरत का, तीसरा विकल्प है अभिनव गुप्त का और चौथा विकल्प है पंडित राज जगन्नाथ का। तो यहां सही जवाब होगा ऑप्शन सी अभिनव गुप्त का है। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार कला रस कला की आत्मा है, यह कथन सबसे पहले अभिनव गुप्त का है। अगला प्रश्न है, अनुकरण ही कला का मूल है किसने कहा? पहला ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन हीगल महोदय, तीसरा ऑप्शन अरस्तु और चौथा ऑप्शन क्रोचे। तो यहां सही विकल्प होगा ऑप्शन सी अरस्तु। अनुकरण ही कला का मूल है, इसको
किसने कहा? अरस्तु ने। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय चित्रकला के सष्टंग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन लावण्य योजना, दूसरा ऑप्शन सदस्यता, तीसरा ऑप्शन वर्णिका भंग और चौथा ऑप्शन है प्रमाण। तो यहां पे ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा की गई है? पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 9 की 12। तो यहां पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 9। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में रसों की संख्या 9 बताई गई है। अगर ये प्रश्न पूछा जाता भरत मुनि के अनुसार तो 8 ही रस बताए गए हैं। भरत मुनि के अनुसार 8 रसों की संख्या बताए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता का रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन वाणभट्ट, दूसरा ऑप्शन कल्लण, तीसरा ऑप्शन कालिदास और चौथा ऑप्शन बारामिहिर। तो यहां पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, वारामिहिर। अगला प्रश्न है, चित्र में प्राण आता है रंग से, रेखा से, लय से, उक्त सभी से। तो यहां सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, उक्त सभी से। तो चित्र में प्राण रंग से, रेखा से और लय से आता है। अगला प्रश्न है, मुख्यतः इम्पेस्टो के लिए किस प्रकार का पेंट व्यवहारित होता है? पहला ऑप्शन टेम्परा, दूसरा ऑप्शन वाटर कलर, तीसरा एक्रोलिक और चौथा तैल रंग। तो यहां पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, तैल रंग। अगला प्रश्न है, चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? 2, 3, 4 या 6? तो यहां सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 2। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन एक आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजनों एवं यथार्थवाद का प्रभाव है? तो यहां सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, राजा रवि वर्मा। तो पाश्चात्य संयोजनियों में यथार्थवाद का प्रभाव राजा रवि वर्मा के चित्रों में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सेलिब्रेशन ट्रिस्टिज को एक्रोलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम क्या है? बीरेंडे, सतीश गुजराल, तैयब मेहता कि रामकुमार? तो यहां सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, तैयब मेहता। प्रश्न पूछे भी गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्पकृति जो काष्ठ एवं धातु से बनी है किसने बनाई है? पहला ऑप्शन रघुनाथ सिंह, दूसरा ऑप्शन धनराज भगत, तीसरा ऑप्शन पीराजी सागरा और चौथा ऑप्शन विमानदास। तो यहां सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, धनराज भगत। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रम्फ ऑफ लेबर नामक मूर्त शिल्प किसने बनाई है? पहला ऑप्शन देवी प्रसाद राय चौधरी, दूसरा ऑप्शन नागजी पटेल, तीसरा ऑप्शन सुबोध गुप्ता और चौथा ऑप्शन अनीश कुमार कपूर। तो यहां सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, देवी प्रसाद राय चौधरी। अगला प्रश्न है, एनएस बेंद्रे का शिष्य कौन था? केस कुलकर्णी, शांति दवे, जी आर संतोष, गुलाम शेख? तो यहां पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, के एस कुलकर्णी। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताएं जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया। पहला ऑप्शन बोरोस्की, दूसरा ऑप्शन स्वारोस्की और तीसरा ऑप्शन निकोलस रोरिक और चौथा ऑप्शन दाशवेदिनिया। तो यहां पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, निकोलस रोरिक। है बीरेश्वर सेन
इसके लिए विख्यात थे। पहला ऑप्शन छाप, दूसरा ऑप्शन मूर्ति, तीसरा ऑप्शन वास और चौथा ऑप्शन दृश्य चित्र। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, दृश्य चित्र। तो बीरेश्वर सेन दृश्य चित्र के लिए विख्यात थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार कौन है? पहला ऑप्शन दिलीप तामली, दूसरा ऑप्शन जॉन डगलस, तीसरा ऑप्शन मुकुल पंवार और चौथा ऑप्शन पी मनसा राम। तो सही विकल्प होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मुकुल पंवार। अगला प्रश्न देखते हैं, धनराज भगत कहाँ के छात्र रहे? पहला ऑप्शन ललित कला महाविद्यालय दिल्ली, एक कला है। दूसरा ऑप्शन लाहौर कला स्कूल, तीसरा ऑप्शन कला भवन शांति निकेतन, चौथा ऑप्शन जे आर्ट स्कूल बॉम्बे। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, लाहौर कला स्कूल। तो धनराज भगत ने लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट से मूर्त शिल्प में डिप्लोमा प्राप्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है का आत्मचित्र यूरोपीय आधुनिक कला के किस वाद से प्रभावित है? ऑप्शन ए अतीतार्थवाद, ऑप्शन बी भविष्यवाद, ऑप्शन सी घनवाद और चौथा ऑप्शन है प्रभाववाद। यहां पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अत यथार्थवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, दमयंती चित्रकला का चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा, चित्रा तिरुनल की पंडित शिव की राजा राज वर्मा। सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया था? किसे चित्रित नहीं किया गया था? पहला ऑप्शन यायावर या जिप्सी परिवार, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मचारी, तीसरा ऑप्शन है संगीतकारों की विशिष्ट मंडली ग्लेस्की कि, चौथा ऑप्शन है राम द्वारा समुद्र को प्रस्त करना। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मचारी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा भारतीय कलाकार रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के अपने चित्रों के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन एम एफ हुसैन, दूसरा ऑप्शन अमृता शेरगिल, तीसरा ऑप्शन एस हैदर रजा और चौथा ऑप्शन तैयब मेहता। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, तैयब मेहता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र गपसप की रचना किसने की? ऑप्शन ए यामिनी राय, ऑप्शन बी कमलेश दत्त पांडे, ऑप्शन सी एन एस बेंद्रे, ऑप्शन डी नंदलाल बोस। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, एन एस बेंद्रे। तो प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र गपसप की रचना एन एस बेंद्रे ने की थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कलाकार पाल गैगुइन तिहातियन कला से प्रेरित है? ऑप्शन ए जैमिनी राय, ऑप्शन बी अमृता शेरगिल, ऑप्शन सी अजीत चक्रवर्ती, ऑप्शन डी रामकुमार। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र के पीतलखेड़ा गुफाओं में किस कलाकार का नाम उकेरा गया है? पहला ऑप्शन अभिनव, दूसरा ऑप्शन परखु, तीसरा ऑप्शन कान्हा और चौथा ऑप्शन है ललित। तो
तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी कान्हा। तो महाराष्ट्र में स्थित पीतल खोड़ा गुफा में कलाकार कान्हा का नाम उकेर गया है। अगला प्रश्न है, ग्रुप आठ के संस्थापक सदस्य कौन थे? ग्रुप एट के संस्थापक सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए लक्ष्मीदत्त, ऑप्शन बी सॉरी पहला है लक्ष्मीदत्त, दूसरा है जगदीश डे, तीसरे हैं रतन परीमू और चौथे हैं जगमोहन। तो सही विकल्प चुनना है 1 3 4 की 2 3 1 की 2 3 4 की 4 2 1। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 4 2 1, जगमोहन, जगदीश डे और लक्ष्मीदत्त। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के जनक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गंगेन्द्रनाथ टैगोर कि नंदलाल बसु? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र द पासिंग ऑफ शाहजहां किस माध्यम में चित्रित है? पहला ऑप्शन गुआचे, दूसरा टेम्परा, तीसरा है वाटर कलर और चौथा है तैल चित्र। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए गुआचे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88, नंदलाल बोस का चित्र दंडी यात्रा किस माध्यम से है? पहला ऑप्शन वुडकट, दूसरा ऑप्शन लिनोकट, तीसरा ऑप्शन सिल्क स्क्रीन और चौथा ऑप्शन आयर। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी लिनोकट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, गंगेन्द्रनाथ टैगोर के अवनींद्रनाथ टैगोर कि नंदलाल बसु? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बसहुली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत है? पहला ऑप्शन पंजाब, दूसरा ऑप्शन जम्मू कश्मीर, तीसरा हरियाणा के कुमाऊं गढ़वाल। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी कुमाऊं गढ़वाल के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली के चित्र का विषय वस्तु क्या था? राम सीता, मीरा कृष्ण, शिव पार्वती, राधा कृष्ण? सही विकल्प होगा ऑप्शन डी राधा कृष्ण। चलिए अगला देखते हैं, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, तो एक तरफ सूची फर्स्ट है और एक तरफ सूची सेकंड है। तो चलिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाते हैं। तो गुलेर, गुलेर को मिलाएंगे गोवर्धन से, कांगड़ा संसार चंद, बसौली अमृतपाल, नूरपुर जगत सिंह। तो इस तरह से 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 कहाँ है? ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, लघु चित्र प्रेम की नाव बोट ऑफ लव इनमें से किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से कि मंडी शैली से, कोटा शैली से कि बूंदी शैली से? तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन ए जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है, किशनगढ़ शैली से। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय हुआ? पहला ऑप्शन राव छतर सिंह, दूसरा ऑप्शन राव भाव सिंह, तीसरा ऑप्शन सवाई जय सिंह, चौथा ऑप्शन राव उम्मेद सिंह। यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी राव उम्मेद सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन जयपुर शैली, दूसरा ऑप्शन मालवा शैली, तीसरा ऑप्शन किशनगढ़ शैली, चौथा ऑप्शन मेवाड़ शैली। तो जितने लोग ऑप्शन डी जवाब दिए हैं बिल्कुल सही है, मेवाड़ शैली। अगला प्रश्न है, यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा? पहला ऑप्शन बंगाल शैली, दूसरा ऑप्शन जयपुर फ्रेस्को शैली, तीसरा ऑप्शन मुगल शैली, चौथा ऑप्शन पाल शैली। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिल्कुल जवाब सही है,
यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव जयपुर शैली में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ के महलों, हवेलियों एवं मंदिरों में भित्त चित्रण की विशिष्ट परंपरा दिखाई देती है। तो इन चारों विकल्पों में सबसे सही विकल्प है जयपुर फ्रेस्को शैली। अगला देखते हैं, किस महाराजा के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली अपनी पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष पर पहुंची। पहला ऑप्शन है राज सिंह, दूसरा ऑप्शन है बीरद सिंह, तीसरा ऑप्शन है कल्याण सिंह और चौथा ऑप्शन है सावंत सिंह। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, सावंत सिंह। तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीनतम राजस्थानी शैली स्कूल कौन सा है? तो इन चारों में सबसे प्राचीन कौन है? किशनगढ़, कोटा, बूंदी की मेवाड़ शैली, बताइएगा यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा। तो जितने लोगों ने मेवाड़ शैली जवाब दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पटना कलम का विकास किन कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ? पहला ऑप्शन यूरोपीय एवं बंगाल शैली, दूसरा ऑप्शन ईसाई एवं हिंदू शैली, तीसरा ऑप्शन यूरोपीय एवं भारतीय शैली और चौथा ऑप्शन है पाली एवं मुगल शैली। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, यूरोपीय एवं भारतीय शैली। अगला प्रश्न, और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ईरानी शैली की एक विशेषता है, पहला है पृष्ठभूमि, दूसरा आकृतियां, तीसरा रंग योजना और चौथा है रेखाएं। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, रेखाएं। तो ईरानी शैली रेखा पर आधारित थी, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, रेखाएं। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखते हैं, शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था? खेमकरण, माधव, होनहार की महेश। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, होनहार। तो शाहजहां के समय में जो विशिष्ट हिंदू चित्रकार था वो होनहार था, और शाहजहां के समय में प्रसिद्ध कलाकारों में बालचंद्र, त्याग, आबिद, गोवर्धन, विचित्र, होनहार, समरकंदी, अनूपचित्र, मोहम्मद कादी, ये सब शाहजहां के समय के विशिष्ट चित्रकार थे। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों को, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले टेस्ट में 8 बजे लाइव में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।